कवर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट रोड ग्वालियर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिवाजी विश्वविद्यालय में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हमारे द्वारा कुल सचिव को विभिन्न बिंदुओं के लिए ज्ञापन सौंपा था, जिसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। आज का जो हमारा विषय है, हमने 18 सूत्रीय ज्ञापन कुल सचिव जी को सौंपा, कुलपति जी नहीं थी, और हमने उनको ज्ञापन सौंपा जिसमें हमारा प्रमुख बिंदु था नर्सिंग में जो गड़बड़ी हुई है। नर्सिंग वाला जो मामला आया है कि अंक सूचियां पहले अपडेट होती हैं नेट पे और बाद में दूसरी अंक सूचियां तुरंत बना दी जाती हैं, जबकि रिजल्ट नेट पे अपडेट है। उसके बाद में दूसरा जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि फेल वाले बच्चों को लगा पास कर दिया जाता है, उसकी एक महीने पूर्व जाँच समिति बनाई गई, जाँच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसको कुलपति मैडम ने अभी तक कोरोना का बहाना करके उसको अभी तक सभी के सामने नहीं रखा है। विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि उसको सार्वजनिक करके उसका आज ही निर्णय किया जाए, लेकिन कुल सचिव महोदय भी इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समझ में आता है कि वे भी लिपते हैं और कुलपति महोदय तो पूरी तरीके से लिपते हैं, और कुलपति महोदय ही नहीं, इस पूरे विद्यालय परिसर के प्रत्येक अधिकारी इसमें लिपते हैं, इसलिए उसका निराकरण तत्काल नहीं किया जा रहा है। और वे कार्रवाई कर्मचारियों पर तो हो जाती है, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कुलपति महोदया छुट्टी का बहाना देकर, वैसे उनने छुट्टी नहीं है, अभी वो ऑफिशियल काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करके शासन को निर्देश लिखती हैं कि मेरा जो ऑफिस है वो घर में ही है और घर में बैठकर अपना पूरा विश्वविद्यालय चला रही हैं, और यहाँ पे आने में उनको इसलिए दिक्कत हो रही है कि यहाँ परिषद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनसे जवाब मांग लेंगे और जवाब का उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो उसमें लिप्त हैं और वे यहाँ आने में संकोच कर रही हैं। वे बार बार कुल सचिव महोदय को आगे करती हैं, कुल सचिव महोदय उसका निराकरण कर नहीं पा रहे हैं, और जब तक इसका निर्णय नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। इसका चाहे एक दिन लग जाए, चाहे दो दिन, चाहे एक हफ्ता लग जाए, लेकिन हम जब तक इसका निर्णय नहीं होगा हम यहाँ पर रहेंगे।